आपने जो शिकायत की उस पर कोई कार्रवाई की गई नहीं की गई, क्या कहना चाहेंगे आप? सर हरकत तो उसने बहुत बुरी किया सर, वो रात को आया उसने मेरे साथ छेड़खानी भी की, तो उसके बाद में मैं चाहती कि मुझे न्याय मिले सर, उस लड़के को सजा मिलनी चाहिए और प्रिंसिपल वार्डन ने भी अभी तक कुछ नहीं किया है सर। वहाँ पे जो मेरी लड़कियाँ थी वो साथ वाली, वो पहले तो कह रही थी सर जो जो हमारे साथ हुआ था उसके लिए साथ देने के लिए, फिर उसके बाद मैं जब मैं घर आई तो वहाँ पे उन लोग को बोला जा रहा है कि तुम इसको बोलो फ़ोन करके कि ये सब ऐसा कुछ ना कर पाए, जैसे मैं सस्पेंड होने वाली हूँ ना तो उनको मना कर रहे थे और फ़ोन करके ये लोग मुझे बोल रहे हैं मेरे साथ की लड़कियाँ कि ये सब तुम गलत करवा रही हो करके धमका रहे उनको, वो टीचर्स लोग धमका रहे हैं। आपने इस बार थाने में की थी, क्या कार्रवाई हुई अभी तक? सर थाने में इसकी थाने में इसकी रिपोर्ट भी लिखवाई थी, मैडम ने भी अपने तरीके से लिखवाई और उन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं लिखा सर, इस मामले को दबाने के लिए सोचा, फिर उसके बाद में उन्होंने कहा भी इस मामले को ज़्यादा ऊंचा न उठाया जाए। लेकिन अभी आपको धमकियाँ किस तरह की मिल रही है? सर धमकियाँ ये मिल रही हैं कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, ऐसा कुछ मत करो, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, ये सब हो जाएगा, ये लड़की का मामला है तो तुम शांत रहो, अभी कुछ मत करो, ऊपर तक मीडिया तक जाएंगी ये बातें तो फिर बात बढ़ जाएगी। आपकी कौन दे रहा है? ये प्रिंसिपल मैम बोल रही हैं और वार्डन मैम ही बच्ची वहाँ की हॉस्टल की लड़कियों को जो साथ की लड़कियाँ हैं वो वहाँ जो पढ़ती हैं उन लोग के जरिए फ़ोन करके हम लोग को ये सब दया धमकाया जा रहा है। यस सर इस मामले को दबाया जा रहा है और मैम फिर वहाँ के टीचर स्टाफ है वो बोल रहे हैं इस मामले को दबाया जाए और वो लोग कोशिश भी कर रही हैं कहीं ऐसे। इसके पहले भी कुछ इस तरह के मामले हुए थे क्या जो वहाँ लगाए गए? यस सर पहले भी ऐसे कुछ मामले हुए हैं, वहाँ पे बहुत से लड़के पीछे से आते थे और गैलरी से चढ़ जाते थे, सब बहुत लापरवाही है। क्या उस मामले की शिकायत की थी प्रिंसिपल ने कभी? सर एक दो बार की थी लेकिन कोई कार्रवाई भी नहीं हुई सर उसके पीछे जो मामले हुए थे पहले। क्या नाम है आपका? अभी तक इस मामले में क्या कार्रवाई? थाना रांझी के अंतर्गत एक गर्ल्स हॉस्टल है जिसमें काफ़ी गर्ल्स रहती हैं जो विभिन्न स्कूल में पढ़ती हैं और वो विधिवत वहाँ काम कर रहा है, वहाँ उनके प्रिंसिपल हैं, वार्डन है, पूरी जो व्यवस्था एक होती है वो वहाँ काम कर रही है। थाना रांझी में एक रिपोर्ट थ्रू प्रिंसिपल लिखित एक आवेदन पत्र आया था कि कहीं कोई लड़का उस गर्ल्स हॉस्टल में दीवार कहीं टूटी थी, उसी दीवार टूटी हुई दीवार से फांद करके गर्ल्स हॉस्टल में प्रवेश हुआ है और उसमें किसी छात्रा के साथ कोई छेड़खानी हुई है। इस पूरी रिपोर्ट पर पुलिस ने इसमें एक मामला पंजीबद्ध किया है और पंजीबद्ध करके जो प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन है वो पूरा किया गया है, उसमें जितने भी छात्राएं हैं उनके स्टेटमेंट्स हुए और जो मैनेजमेंट कमेटी है वहाँ उनके स्टेटमेंट्स हुए हैं, उसके आधार पर पूरा मामले को इन्वेस्टिगेशन में लिया है और अभी उस में कौन जो छात्र घुसा था या कोई लड़का जो अज्ञात है वो अभी अननोन है, अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है और सभी लोगों से इसमें इन्वेस्टिगेशन इसमें किया जा रहा है कि आखिर कौन सा लड़का वहाँ पे छेड़खाने के लिए घुसा था, तो अभी उसमें आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है और मामले इन्वेस्टिगेशन में है। ये युवती का मेडिकल परीक्षण करवाया गया था? इसमें जो प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन जो कथन हुए हैं और लिखित में आवेदन पत्र आया है उसमें केवल छेड़खानी की बात आई थी और उसी आधार पर जो एक सामान्य मेडिकल होता है वो मेडिकल हुआ है। युवती के बयान लिए गए तो क्या होलिये के आधार पर कुछ? अभी हाँ अभी आरोप में जो विक्टिम है और विक्टिम के साथ साथ जो अन्य वहाँ चश्मदीद या जो साक्षी हैं उनके स्टेटमेंट के आधार पर एक होलिया एक जनरल टाइप में आई है कि कोई लड़का था एक सामान्य कदकाठी और इस तरह के गोरे रंग का, तो उसके आधार पर पता साजी की जा रही है और अनुमान है कि बहुत जल्दी उसमें पतासाजी हो जाएगी। क्या एश्योरेंस दिया है पीड़ित परिवार? अभी पीड़ित के उसमें यही है कि जल्दी से जल्दी वो जो अज्ञात आरोपी है उसको पुलिस ढूंढ निकालेगी और उसमें कार्रवाई की जाएगी।